Hello everyone, in this video lecture of digital communication, I am going to discuss spread spectrum modulation. As name suggests, this is modulation, means in this technique, we modulate the signal which is already modulated. Second thing, स्प्रेड स्पेक्ट्रम मीन्स कि हम इसके स्पेक्ट्रम को स्प्रेड कर रहे हैं. क्या कर रहे हैं? हम इंक्रीज कर रहे हैं, इन्हांस कर रहे हैं. ठीक. नाउ व्हाई दिस इज रिक्वायर्ड? इन केस ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन देयर इज टू प्राइमरी रिसोर्सेज, दैट इज बैंडविड्थ एंड पावर. बट वी कैन नॉट इफिशियंटली यूटिलाइज दीज रिसोर्सेज. तो इनको इफिशियंटली यूटिलाइज करने के लिए वी इन्हेंस द बैंडविड्थ ऑफ द बेसबैंड सिग्नल. ठीक. द डेटा सीक्वेंस ऑक्यूपाइज अ बैंडविड्थ एक्सेस टू द मिनिमम बैंडविड्थ रिक्वायर्ड टू ट्रांसमिट द सीक्वेंस. इन दिस केस आफ्टर स्प्रेडिंग, ये अगर मैं लिख दूँ, बैंडविड्थ आफ्टर स्प्रेडिंग इज विल बी ग्रेटर देन द बैंडविड्थ विच वॉज रिक्वायर्ड. तो हमारी बैंडविड्थ क्या हो जा रही है? बढ़ जा रही है. नाउ व्हाई वी आर इंक्रीजिंग द बैंडविड्थ? बिकॉज इन केस ऑफ नैरो बैंडविड्थ देयर इज मोर चांसेस ऑफ इंटरफेरेंस. ठीक. नाउ हाउ वी आर स्प्रेडिंग द बैंडविड्थ? फॉर स्प्रेडिंग द बैंडविड्थ वी यूज अ कोड दैट इज इंडिपेंडेंट टू द डेटा सीक्वेंस. जो हम कोड यूज करते हैं उसका डेटा सीक्वेंस से कोई मतलब नहीं होता. दैट इज कॉल्ड पी एन सीक्वेंस. पी एन सीक्वेंस इनको हम रेंडमली लेते हैं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड सूडो रेंडम नॉइज सीक्वेंस. रेंडमली हम ऐड करते हैं, इसका मैसेज से कोई लेना देना नहीं होता है. ठीक है. नाउ अब और ये जो स्प्रेडिंग होती है बाय यूजिंग दीज कोड्स, ये बिफोर ट्रांसमिशन होगी एट द ट्रांसमीटर एंड. एंड जब हम डेटा को रिसीव करेंगे तो बिफोर रिकवरिंग द सिग्नल हम इसको सेम सीक्वेंस को यूज़ करेंगे टू डी स्प्रेड द रिसीव्ड सिग्नल सो दैट कि वी कैन रिकवर द ओरिजिनल सिग्नल. एंड वन मोर थिंग कि ये हमारे जो पी एन सीक्वेंस होंगे यूज़ होंगे एट द ट्रांसमीटर एंड डेटा एंड वो दोनों सिंक्रोनाइज होंगे. तो मैं अभी इसका ब्लॉक डायग्राम भी आपको बता दूंगी. ठीक है. नाउ व्हाट इज़ द एडवांटेजेस ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम? तो हम इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं. नाउ अब इसके एडवांटेज देखते हैं. फर्स्ट एडवांटेज, एबिलिटी टू रिजेक्ट इंटरफेरेंस whether it was intentionally or unintentionally. ठीक है. जो unintentionally होगा वो मे बी इस सिस्टम से ही अराइज हो, बट जो intentionally होगा वो by the other user होगा, means कि external user से होगा. ठीक. Achieving मैसेज प्राइवेसी इन द प्रेजेंस ऑफ अदर लिसनर्स. अब हम देख लेते हैं स्प्रेड स्पेक्ट्रम हमारा होता कैसा है. सपोज हम देखते हैं स्पेक्ट्रम कैसे स्पेक्ट होगा. एट दिस एक्सिस फ्रीक्वेंसी, एट दिस एक्सिस पावर. ठीक है. बिफोर स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेशन स्पेक्ट्रम वॉज लाइक दिस. ठीक है. ये हमारा क्या हो गया? बेस बैंड सिग्नल. ठीक है. अब जब हमने इसको स्प्रेड किया, बैंडविड्थ, पहले बैंडविड्थ क्या थी? दिस वन. ठीक है. नाउ व्हाट इज द बैंडविड्थ? न्यू बैंडविड्थ आफ्टर स्प्रेडिंग ये हो गई. ठीक है. तो नाउ यू कैन सी कि ये हमारी बैंडविड्थ स्प्रेड हो गई. ये किसकी हो गई? दिस इज स्प्रेड स्पेक्ट्रम मॉड्यूलेटेड सिग्नल. ठीक है. सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं इसका. हाँ, इनपुट डेटा लेंगे. सबसे पहले क्या होगा हमारे पास? इनपुट डेटा. ठीक है. इनपुट डेटा कहाँ जाएगा? दिस विल बी पास टू चैनल इनकोडर. ठीक है. चैनल इनकोडर क्या करेगा? उस इनपुट डेटा को इनकोड करेगा और मॉड्यूलेट करेगा. इनकोडर इनकोड द इनपुट डेटा. ठीक है.
आफ्टर दैट दिस इज पास टू अ मॉड्यूलेटर, ये क्या होगा, मॉड्यूलेटर, ठीक है। इस मॉड्यूलेटर को फर्स्ट इनपुट तो मिला चैनल इनकोडर से, सेकंड इनपुट इसको मिलेगा कहाँ से, पीएन सीक्वेंस जनरेटर से, आप कह सकते हो सूडो रैंडम नॉइज जनरेटर से, ठीक है। नाउ बेसिकली ये जो सीक्वेंस जनरेट करेगा वो क्या होगा, स्प्रेडिंग कोड, स्प्रेडिंग कोड, ठीक है। By using these codes, जो modulated की output होगी उसमें extra bits transmit होंगी with input message, ठीक। Now this signal is passed to channel ठीक। After channel this portion is, now अभी तक हमने जितना ये portion draw किया ये हमारा क्या था, transmitter, ठीक है। नाउ आफ्टर ट्रांसमीटर दिस पोर्शन वॉज चैनल, जिसके थ्रू मीडियम, जहाँ पर आपका डेटा ट्रांसमिट होता है जिस मीडियम के थ्रू। नाउ अब हमारा क्या पोर्शन होगा, रिसीवर, ठीक है। तो जो हम मॉड्यूलेटर यूज करें जस्ट उसका अपोजिट प्रोसेस, मीन्स कि हम यहाँ पर क्या यूज करेंगे, डी मॉड्यूलेटर, ठीक है। अब डी मॉड्यूलेटर पर भी हम सेम सीक्वेंस यूज करेंगे, मीन्स कि दिस वन, यहाँ पीन्स पे क्या होगा, पी एन सीक्वेंस जेनरेटर, ठीक है। प्लीज रिमेंबर कि बोथ शुड बी सिंक्रोनाइज, यहाँ पर स्प्रेडिंग के लिए यूज होगा, यहाँ पर डी स्प्रेडिंग के लिए होगा, बट रिसीवर तभी इसको डिकोड कर पाएगा व्हेन वो, जब उसको पता होगा कि व्हाट वाज द सीक्वेंस व्हिच वाज यूज्ड एट द ट्रांसमीटर एंड, ठीक है। नाउ आउटपुट ऑफ डी मॉड्यूलेटर अप्लाइड टू द वाज चैनल इनकोडर, तो नाउ चैनल डिकोडर, ठीक है, जस्ट अपोजिट प्रोसेस ऑफ ट्रांसमीटर, ठीक। आउटपुट ऑफ दिस चैनल इनकोडर विल बी आउटपुट डेटा, ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज द ब्लॉक डायग्राम की वर्किंग एक बार फिर से देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा इनपुट डेटा है, इनपुट डेटा को हमने पास किया चैनल इनकोडर ने, चैनल इनकोडर ने इस इनपुट डेटा को इनकोड किया। आफ्टर दिस इनकोडर इनकोडेड डेटा इज अप्लाइड टू द मॉड्यूलेटर, मॉड्यूलेटर पर हम क्या करेंगे, हम मॉड्यूलेटर पर टू इनपुट्स होंगे, वन फ्रॉम चैनल इनकोडर एंड द सेकंड फ्रॉम द पीएन सीक्वेंस जनरेटर। दिस इज द रैंडम सीक्वेंस ऑफ डेटा जो कि नॉइस की तरह वर्क करेगा और दिस इज यूज टू स्प्रेड द चैनल, ठीक है। तो आफ्टर स्प्रेडिंग द सिग्नल बैंड स्पेक्ट्रम, सिग्नल इज पास थ्रू चैनल एंड एट द रिसीवर एंड डी मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर इज जस्ट रिवर्स ऑफ मॉड्यूलेटर, मीन्स कि ये डी मॉड्यूलेशन करेगा एंड इन फॉर डी मॉड्यूलेशन सेम सीक्वेंस विल बी यूज, मीन्स कि जो पी एन सीक्वेंस यूज होगा या पी एन पैटर्न यूज होगा एट द ट्रांसमीटर एंड एंड एट द रिसीवर एंड बोथ शुड बी सिंक्रोनाइज। एट द रिसीवर हम एंड एट द ट्रांसमीटर एंड हम यूज़ करते हैं दिस सीक्वेंस को फॉर स्प्रेडिंग एंड एट द रिसीवर एंड हम सेम सीक्वेंस को यूज़ करते हैं फॉर डी स्प्रेडिंग, ठीक है। मीन्स कि जो हमने स्प्रेड किया था हम उसको उसकी ओरिजिनल बैंडविड्थ पे लाएंगे। आफ्टर डी मॉड्यूलेशन सिग्नल इज अप्लाइड टू द चैनल डिकोडर, चैनल डिकोडर परफॉर्म द जस्ट रिवर्स प्रोसेस ऑफ इनकोडर, सेम टेक्निक का यूज़ करेगा फॉर चैनल डिकोडिंग, ठीक है। आफ्टर डिकोडिंग वी गेट द ओरिजिनल सिग्नल, बट ये तो हमारा आइडियली हुआ। सपोज अब इन दिस केस हमें सिग्नल्स मिलेंगे कैसे, सपोज जो हमने इनपुट सिग्नल अप्लाई किया दैट वाज बीटी, बीटी सीक्वेंस अप्लाई किया था, ठीक। अब हमें यहाँ से हमने जो पीएन सीक्वेंस दिया, यहाँ पे जो हमें यहाँ पर आ रहा था दिस इज नैरो बैंड सिग्नल, यहाँ पर हमारा क्या था, नैरो बैंड सिग्नल। अब हमने यहाँ जो अप्लाई किया पीएन सीक्वेंस ये हमने किया वाइड बैंड, मीन्स कि ट्रांसमीटर पर हमें जो सिग्नल मिलेगा वो क्या होगा, वाइड बैंड, ठीक। दिस वाइड बैंड सिग्नल इज पास, अब सपोज इसको हम लिख देते हैं एस टी को हमने पास किया, ठीक है। एंड हमने जो सीक्वेंस अप्लाई किया उसको भी आप कुछ भी नाम दे दो, फॉर एग्जांपल मैंने सी टी लिया, ठीक, पास किया। नाउ जब सिग्नल पास होगा थ्रू चैनल तो यहाँ पर क्या ऐड होगा, नॉइज, नॉइज क्या होगी, लेट नॉइज इज एंटी, ठीक। मीन्स कि जब डी मॉड्यूलेटर पर सिग्नल रिसीव होगा वो क्या होगा, एस टी प्लस नॉइज, यहाँ पर जो सिग्नल हमें रिसीव होगा वो एस टी प्लस नॉइज होगा, ठीक है। नाउ अब यहाँ पर हम अगेन सीक्वेंस यूज करेंगे क्या, सी टी का फॉर डिकोडिंग एंड आफ्टर फॉर डीमॉड्यूलेशन, आफ्टर डीमॉड्यूलेशन चैनल डिकोडर से जो हमें आउटपुट मिलेगी वो क्या होगी, इनपुट सीक्वेंस प्लस हमारा नॉइज। दिस टेक्निक वॉज स्पेशली डेवलप्ड फॉर मिलिट्री एप्लीकेशन ड्यूरिंग सेकेंड वर्ल्ड वॉर फॉर
प्राइवेसी पर्पस मींस की जो इंटरफेरेंस होते थे इंटरनेशनल इंटरफेरेंस लाइक जैमिंग, इन सबको अवॉइड करने के लिए. नाउ वन मोर थिंग, टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम, इट डिपेंड्स ऑन द टेक्निक ऑफ मॉड्यूलेशन. इफ वी आर यूजिंग PSK मॉड्यूलेशन देन टेक्निक विल बी DSSS मींस की डायरेक्ट सीक्वेंस स्प्रेड स्पेक्ट्रम. ठीक है, इसको इन डिटेल हम डिस्कस करेंगे कमिंग वीडियोज़ में. ठीक है, इसमें हमने क्या टेक्निक यूज़ की थी, PSK, ये याद रखना है. ठीक है, नाउ वन मोर टेक्निक, इफ़ मॉड्यूलेशन टेक्निक इज़ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग और MRAFSK तो दैट इज़ कॉल्ड FHSS मीन्स फ्रीक्वेंसी होपिंग स्प्रेड स्पेक्ट्रम. दीज आर द टाइप्स ऑफ स्प्रेड स्पेक्ट्रम जो हमें इन डिटेल पढ़ने हैं. तो इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस हाउ वी कैन जनरेट सूडो रैंडम नॉइज सीक्वेंस एंड आफ्टर दैट आई विल डिस्कस DSS देन FHSS. थैंक यू सो मच. स्टिल यू हैव एनी डाउट प्लीज राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन. थैंक यू.